एकदम बाद में, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जानवी आपसे, आप प्लीज एक बार पैर दिखा दीजिए, सीधे है ना आपके पैर? हाँ सीधे है, ठीक है। मेन दर्द आज रूही बन के आई हूँ। और आज रूही बन के ये अफजा कब बनेंगी यार? अरे टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइस, द फिल्म लुक्स फैंटास्टिक। मेरे को स्पेशली ये जानना है कि अब यूजुअली ऐसा होता है कि आप कोई कॉमेडी फिल्म कर रहे होते हैं तो अक्सर होता है कि आप एक्टर्स खुद ब खुद थोड़ा बहुत हंसने लग जाते हैं। सो व्हाइल शूटिंग अ हॉरर फिल्म आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप लोग सीन करते हुए खुद थोड़ा सा डर जाते हैं? मेरा काम तो डराने का था और मेरा प्यार करने का। बट आई थिंक जोर से बात, आई थिंक जिस तरह से आपने बोला, ऑफ कोर्स कई बार अरे भाई क्या है, बड़े कूल लग रहे यार, मैं इतना खुश हूं ना, इतने टाइम बाद आया हूं ना दिल्ली और सबसे मिल रहा हूं। और सबसे ज्यादा अरे सच्ची बताना, थिएटर में वापस आके मजा आया नहीं आया? आया ना वापस मजा, हम भी वेट कर रहे हैं यार 11 मार्च जल्दी से आए, रूही सिनेमा में लगे और ऐसे ही लोग बैठे हंसे डरे मुस्कुराए, मजा आएगा। सॉरी कमिंग बैक में ज्यादा भावुक हो गया था थिएटर में आके वापस। बट आई थिंक होता है यार अक्सर, हम मनाली में शूट कर रहे थे एंड वहां पे एक डिजर्टेड एक पूरा एक फॉरेस्ट लैंड था, रात को शूट कर रहे थे, तो कई बार ही सबकॉन्शियसली आपको लगता है कुछ हो रहा है, ये है वो है, तो ऑब्वियसली वैसे होता है। एट द सेम टाइम जैसे हम जब कॉमेडी सेक्शन शूट कर रहे होते थे तो जिस चीज पे होता था करते करते ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज करके हंसने लग जाते थे। सो आई थिंक जो जॉनर का ब्लेंड होता है उसमें बंदा ब्लेंड हो ही जाता है। लेकिन हर बार जब भी हम हॉरर सीक्वेंस शूट करी थी, डू रिमेम्बर जब मैं अफजा बन के आती थी सेट पे तो रात को कुत्ते भौंकने लगते थे। हाँ सच्ची टाइम आई वुड बिकम अफजा एंड कम। तो आपको ऐसा लगता था जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ हुआ है व्हाइल शूटिंग अ हॉलीवुड फिल्म, यू नो वो अक्सर ऐसे बोलते कि यार जब हमारा ऐसा रोल होता था ना हमको लगता था हमारे साथ कोई सो रहा है, हमको रात को आवाज। मैं अकेले ही सो रही थी लेकिन मुझे सपने बहुत आते थे कि मैं पता नहीं बेड पे बंधी हुई हूँ और मेरी पूरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई है क्योंकि मेरे अंदर भूत आ रखा है और मैं अकेली हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ, तो ये सपना बार बार आता था मुझे शूट के बाद। आई रियली वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन जानवी, एक सीन है इन द ट्रेलर जब आप पता नहीं सीलिंग पे टेबल फैन बनी हुई है, आई डोंट नो यू आर देयर यू नो लाइक अ स्पाइडर, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक यू नो बीइंग लाइक अ भूत, आप यू नो ट्विस्टेड मेकअप एंड यू नो ऑन द छत, हाउ वाज दैट लाइक? मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे लगा कि काफी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि जितनी ज्यादा डरावनी लगो उतना ज्यादा अच्छा है किरदार के लिए फिल्म के लिए, तो बहुत मतलब एक एक्टर होने के हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी लिबरेटिंग, काफ़ी आज़ाद फील करते हो आप कैमरे के सामने जब आप बार बार ये नहीं चेक कर रहे हो कि टचअप करो लिपस्टिक ठीक है ये ठीक है, मैं ये टचअप कर रही थी कि और घाव लगाओ और नस यहाँ से गिर रहा है एक और चिपकाओ, दो आँख क्यों तीसरी भी लगा दो। एंड द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म is fantastic, हम लोग obviously you know we're playing it on radio and we're enjoying a lot, but you know, हम लोगों ने अभी ट्रेलर देखा है एंड द सॉन्ग्स लुक फैंटास्टिक, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड द लेटेस्ट ट्रैक विच इज आउट राइट नाउ नदियों पार, कल ही रिलीज हुआ, इनफैक्ट हम लोगों ने भी बड़े पर्दे पे नदियों पार नहीं देखा है, सो हाउ अबाउट वी टेक दिस? अरे बिल्कुल मेरे भाई 120% आई थिंक, ऑलराइट लेट्स हैव अनदर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली लेट्स वॉच नदियों पार ऑन द बिग स्क्रीन, हम साइड हो जाते हैं। Why don't you tell us how? मैं नहीं अच्छा लगा तेरे को? मेरे को लगा आप, मैं मास्क में मैं ही तो था पीछे, आप ही तो थे सारी मम्मियां, जो पीछे बैकग्राउंड में जो लटक रहा था ना रस्सी से। आपको रस्सी से लटक के कैसा लगा? भाई कहीं पे भी लटका था मैं बड़ा खुश रहता हूँ यार। How was your experience with the song, Janvi? It was a lot of fun. It was my first dance song. एंड हम एक्चुअली कोई अलग प्रमोशनल गाना शूट करने वाले थे लेकिन ये सर बहुत बिजी थे तो उन्होंने हमें डेट नहीं दी थी, है ना, ये हुआ था जो भी है। देन टीनू सर कॉल मी अप एंड ही सेड कि एक और गाना है ये सिर्फ आप पे फिल्म आया जाएगा, और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है कौन सा गाना है, देन आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज लाइक ओ माय गॉड यस ऑफ कोर्स, एंड ही वाज लाइक हाँ लेकिन इसमें वाइब अभी बहुत हो गया क्यूटी वो सब, यू नीड टू लाइक स्टेप इट अप, एंड लिटरली जब मैं व्हेन आई गॉट दिस कॉल मैं आलू के पराठे और पालक पनीर खा रही थी, एंड आई हैड अ 3-4 day नोटिस बिफोर शूटिंग दिस सॉन्ग, तो इसलिए टोन इसमें थोड़ा सा नदियों पार ऐसे बट मैं घर जा रहा हूँ।
लेकिन मैं वो नाचते वक्त जा रहा था मेरे आंखों में, लेकिन यही काम है, सैंड आंखों में रख के नाचना पड़ता है, नदियों पार करना पड़ता है, मजा आता है। वरुण, आपका रूही फिल्म से अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नदियों पार। मेरा जेन्युइनली नदियों पार गाना मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पनघट भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं, बट नदियों पार मेरा फेवरेट गाना है। यही कहना चाहेंगे यार, ये जो फिल्म है इसका जो मजा है वो थिएटर में ही आएगा। अगर आपको स्त्री अच्छी लगी है, रूही स्त्री की से ज्यादा क्रेजी और उसकी क्रेजी बहन है। इसमें बहुत हंसने को मिलेगा, बहुत डरने को मिलेगा, पूरा एक मिक्स्ड इमोशन आएगा। एंड पहली फिल्म आ रही है सिनेमा खुलने के बाद 11 मार्च को, हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक वापस अलाइव फील हो रहा है हम सबको ये प्रमोशन राउंड और थिएटर में वापस आके। सो प्लीज आइए थिएटर में 11 मार्च को, रूही देखिए, हंसते हंसते डरिए और डरते डरते हंसिए। जी, हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है ये सोच के चलिए कि हम ये थिएटर कल्चर को मरने नहीं दे सकते, और हम बहुत ज्यादा हिम्मत करके हमारी फिल्म को ला रहे हैं, क्योंकि हम हमारी फिल्म पे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एंड आई होप कि इस फिल्म के जरिए आपको वो थिएटर कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस वापस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हंसने को मिलेगा, डरने को मिलेगा। फैमिली के साथ जाइए, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लेकर जाइए, लेकिन प्लीज जाइए, आई प्रॉमिस बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू।